भाई तो जुगाड़ कर नहीं, सामने में तो नहीं थे, कम से कम 100 मीटर दूर में ही थे, पर ये लोग आया किधर से और बैठा हुआ था, और उसके अंदर हम लोग उस पार अपने एरिया में थे, नहाने के लिए आए हुए थे, तो ये लोग बच्चा लोग कुछ देर के बाद पानी में घुस गया, खेल रहा था पानी में, कोई बोतल लेके खेल रहा था ये लोग। खेलने के मतलब समय में ऐसा कुछ हुआ कि वो लोग खेलते खेलते थोड़ा नीचे आ गया जिधर पानी ज़्यादा है, और उस टाइम में क्या हुआ, वो लोग बोतल से खेल रहा था, और बोतल एक साइड में कुछ लड़का लोग था, एक साइड में कुछ लड़का लोग, बोतल में इधर फेंक रहा था, कोई इधर रिपीट फेंक रहा था, ये खेल खेल रहा था वो लोग। खेलते क्या हुआ, एक टाइम जब फेंका गया ना, उस टाइम में बोतल हल्का का पानी में गया, थोड़ा ज़्यादा नहीं था, हल्का था, तो एक लड़का गया और उसको निकाल दिया, और वो मना भी किया कि इधर फेंको मत, इधर से मतलब करंट ज़्यादा है पानी में। लेकिन क्या, कुछ समय के बाद फिर से उधर से और एक लड़का और एक बोतल फेंका, वही बोतल को फिर से फेंका, तो वो पानी में ज़्यादा पानी में चल गया, तो ये लड़का घुस गया निकालने के लिए। तो निकालने के लिए घुसा तो मतलब एक दो मिनट नहीं होता, बस लगभग 30-40 सेकंड, उसके बाद वो नीचे ऊपर होने लगा। तो हम लोग तो गाँव के लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि मतलब डूबते समय क्या होता है, तो उस टाइम वो बच्चा को देख हमको लगा कि डूब रहा है। फिर हम लोग तीन लड़का थे वहाँ पर, तीनों दौड़ के आए, और जैसे उसके सामने हम पहुँचे तो हम जंप किए पानी में उसको बचाने के लिए। तो जैसे मैं जंप किया तो उन लोग का दो दोस्त उसको बचाने के फिर से जंप कर लिया, और जबकि उन लोग को तैरने आता नहीं है, तो उस टाइम हमको भी तकलीफ हो गया कि कैसे निकाले तीन तीन को, और तीन आदमी हम लोग घुसे हुए थे। तो उसके बाद एक जन को हम लोग पकड़ के बड़े मुश्किल से निकाले, निकल गया वो, जिंदा निकला, और दो लड़का मेरे साथ ही था, उसको बहुत नीचे तक मैं ढकेल के लाया था, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ कि वो हमको पकड़ के रख दिया पानी के अंदर में, तो हमको डर लग गया क्योंकि मैं भी चल जाता उनके साथ, फिर मैं दौड़ के निकल गया बाहर।